नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में शादी ब्याह में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह के सदस्य मेहमान बन शादी में शामिल होते हैं और नकदी व गहने पार कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरमाड़ा थाना इलाके में स्थित राजावास में, जहां एक मैरिज गार्डन में लाखों रुपए की चोरी हुई है। मेहमान बनकर आए दो चोर शादी वालों की नजरों से ओझल होकर बैग चोरी कर ले गए। चोरी का सारा घटनाक्रम मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। जानकारी के अनुसार हरमाड़ा थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया, चोमू निवासी इंदु देवी सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 29 नवंबर को उनके बेटे राहुल सोनी की शादी का प्रोग्राम जयपुर सीकर हाईवे स्थित राजावास स्थित मैरिज गार्डन में था। स्टेज पर फोटो शूट के दौरान इंदु देवी ने हाथ में लगा बैग पास ही कुर्सी पर रख दिया। कुछ देर बाद बैग संभालने पर वहां से गायब मिला। काफी ढूंढने के बाद भी बैग नहीं मिलने पर चोरी का पता चला, जहां तुरंत मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो चोरी का सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ मिला। शादी घटना कार्यक्रम के दौरान दो चोर मेहमान बनकर सूट बूट पहनकर मैरिज गार्डन में एंट्री की, फिर चोरों ने नजर बचाकर उनका बैग चोरी कर लिया। पीड़िता ने बताया कि बैग में सोने चांदी के गहने और 2.5 लाख रुपए रखे थे। हरमाड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।